हाई देयर स्पोर्टिंग एरर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस टॉपिक को सीखें कैसे कई बार हम सोचते हैं कि जब हम इस टॉपिक को सीखें तो एक एक रूल एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के सभी पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ें और पढ़ते हैं हम फिर भूल जाते हैं तो हम आपको आज बता दें कि जब आप इन रूल्स को अलग अलग पढ़ते हैं या पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं तो पी वाई क्यूज की स्पेशलिटी ये होती है कि हर तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं आप हर तरह का एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उससे रिलेटेड जानकारी जो डिटेल में दी जाती है वो हम मास्टर क्लास के अंदर देते हैं तो हम जब आपको पी वाई क्यूज सॉल्व कराते चले जाएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे कि इस क्वेश्चन को लेकर के जो डिटेल रूल्स हैं या अदर वर्ड्स हैं वो हम मास्टर क्लास में डिस्कस करते हैं तो हमारी मास्टर क्लासेस को एक सीरीज़ में हर स्पोर्टिंग एरर की वीडियो के बाद आप उनको देखते जाएं आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे this is m Rahman and i welcome you to our AC classes of english language today we are going to conduct spotting error class 5 before we begin if you have not subscribed our channel please subscribe like and share and stay with us through comment section and get your problem solved through comments now let's begin with the 44th question 44th question reads everyone was surprised at his indefatigable courage and determination अब हम एरर को पहले पार्ट में देखेंगे कि क्या जो ये वर्ड्स हैं इनका जो सीक्वेंस है टेंस है सही है कि नहीं एवरी वन वॉज सरप्राइज इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती एट हीज़ इन डिफेटिगेबल करेज अब यहाँ प्रेपोजीशन एट है और आमतौर से जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस में आती हैं प्रेपोजिशन में आती हैं और वर्ब में आती हैं कंजंक्शन में आती हैं तो हमने एड पर ध्यान दिया एट को कनेक्ट करना पड़ेगा हमें सरप्राइज से तो सरप्राइज एट हिज, तो ये यहाँ पर सही है एंड डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन के बाद हमारा पर्पज़ है और पर्पज़ में हम टू लगाते हैं टू अचीव वॉट ही डिज़ायर्ड तो इसके अंदर हमें मालूम हुआ कि इसमें नो no एरर है इसमें कोई एरर नहीं है फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन ही टू हरीड ग्लेंस ऑन द न्यूज़ पेपर एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क नो एरर तो यहाँ पर हम देखते हैं ही टूक आ हरीड गलेन्स अब हम को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि टूक भी वर्ब है और हरीड भी वर्ब है तो दो वर्ब कैसे हो गई तो अगर कोई भी थर्ड फॉम आपको किसी नाउन से पहले आता है तो वो तो पास पार्टस फिल हुआ इसकी क्वालिटी बता रहा है एजिक्टिव हुआ तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है Glance ऑन द newspaper. Glance का मतलब होता है झलक सरसरी निगाह आपने डाली और आप आगे बढ़ गए एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क ये सब ओके okay है यहाँ पर थोड़ा डाउट क्रिएट होता है कि भाई गलेंस ऑन लेकिन जब हम न्यूज़पेपर को फोकस करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे किसी पर्टिकुलर थीम को देखेंगे तो यहाँ पर ऑन की जगह एड आना चाहिए तो हमारा जो एरर है वो बी में हुआ इस तरह की एरर्स आप हमारे मास्टर क्लास में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद आपको कोई पर्टिकुलर प्रपोजिशन यूज करना होता है क्वेश्चन नंबर 46 सिक्स रीड्स माइग्रेनी दैट इट इज़ क्वाइट ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट अग्री विद हर अबिट ऑन दिस सेज दैट यहाँ तक ओके okay हुआ इट इज़ क्वाइट ऑल राइट बिल्कुल ठीक है ऑल राइट right के दो वर्ड्स होते हैं एक ए डबल एल ऑल उसके बाद स्पेस और फिर आर आई जी एस टी राइट ऑल राइट यह है आपका एक अलग वर्ड ऑल राइट पूरी तरह से का सेंस ये देता है तो क्वाइट ऑल राइट यहाँ तक बात ठीक इसके बाद है टू गेट मैरिड यंग यंग मीन्स यंग एज में तो आप सोचेंगे इसमें इन यंग एज लिख दें उसकी ज़रूरत नहीं है दो आई do नॉट एब्जोल्यूट अग्री अग्री क्या है वर्ब और किसी भी वर्ब को जब आप उसके सेंस में कुछ ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें जरूरत होती है एड वर्ब की तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आप यहाँ करेंगे एब्जोल्यूटली एब्जोल्यूटली तो यहाँ पर इस पार्ट में एरर है तो आपकी हुई एरर पार्ट डी के अंदर और एब्जोल्यूटली है आपका एडवर्ब तो यहाँ एडवर्ब बेस्ड एरर हमारे सामने आई नेक्स्ट क्वेश्चन हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन अब माइन जो प्रोनाउन है वो कभी कभी स्टूडेंट्स की जानकारी में ना होने की वजह से स्ट्रेंज लगता है माइन ऐसा प्रोनाउन है जब आपको कोई नाउन नहीं मिलता और अधिकारवाचक बात आपको बतानी होती है तो आप माइन लिखते हैं अगर नाउन होता है तो फिर आप लिखते हैं माई पेन और जब आपके पास पेन या नाउन वर्ड ना हो तो आप माइन लिखते हैं और यह पेन नहीं सेलफोन है तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट अब यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स हैं एक है डिफरेंट और एक है कॉस्लियर तो कॉस्लियर के साथ तो देन आपका आ गया अब डिफरेंट मोर डिफरेंट मोस्ट डिफरेंट होता नहीं है तो डिफरेंट के आगे आप लगाते हैं डिफरेंट फ्रॉम तो ये आपको पूरा करना होता है डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन कभी कभी दो तरह की डिग्रीज एक साथ आपके आ जाती हैं तो आप पहली डिग्री को पहले सेटिस्फाई करिए डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन माइन तो इस तरह से एरर हमें मिली पार्ट बी में यहाँ पर इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 48 को क्लियर uh, करें एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि पी वाई क्यूज़ हम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन पी वाई क्यूज़ में कुछ पर्टिकुलर रूल्स जो हैं जिनसे रिलेटेड और दूसरे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड ऐसी एक्सप्रेशंस हो सकती हैं प्रपोजिशंस हो सकती हैं फ्रेजेस हो सकते हैं उनको हम एक जगह पॉइंट टू पॉइंट और वर्ड फॉर वर्ड हम उनको कलेक्ट करते रहें और इन क्लासेस से अलग मास्टर क्लास की अपनी एक अलग अहमियत है इनके अंदर जिन जिन क्वेश्चंस को हम पॉइंट आउट करते जा रहे हैं उनको हम मास्टर क्लास में अटेंड करेंगे और उनसे ज़्यादा हम डिटेल में आपको बताएंगे मास्टर क्लास में तो उस मास्टर क्लास को आप ध्यान से देखिएगा देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है ये मास्टर क्लास में जाएगा क्यों जाएगा ये समझते हैं द रिसर्च फेलो डिफेंडेड Uh, आप कमेंट सेक्शन में हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो रिसर्च है तो रिसर्चर uh, क्यों नहीं है फेलो आया तो यहाँ डिफेंडेड का क्या मतलब है ये कौन सी वर्ब है जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं ये थीसिस क्या होता है तो हम आपको डिटेल से वहाँ बताएंगे थीसिस स्कॉलरली एंड ओपटेन द डिग्री तो यहाँ पर एंड ओपटेंड द डिग्री भी सही नज़र आ रहा है रिसर्च फेलो डिफेंडेड भी सही आ रहा है आ, समझ में हिज थीसिसकॉलरली भी सही समझ में आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए कई बार कुछ वर्ड्स ये डिमांड करते हैं कि एल वाई लगाइए और आप एडवर बनाइए लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ वर्ड्स जो एल वाई वाले होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं अब वो एडजेक्टिव हो गए तो फिर उनका एडवर्ब क्या होगा ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मास्टर क्लास में तो यहाँ पर फोर्टी एट्थ में हमने ये पाया कि यहाँ पर जो वर्ड स्कॉलरली है देखने में एडवर्ब है बिल्कुल सही सेंस देता हुआ भी लगता है बट एक्चुअली स्कॉलरली इज वन ऑफ दोज एजेक्टिव दैट इज़ यूज विद एल वाई बट इट इज़ नॉट एन एडवर्ब एडवर्ब बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है इन स्कॉलरली मैनर तो ये वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते एडवर्ब में एडवर्ब बनाने के लिए आपको ये फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज लर्न करना होगा ऐसे दूसरे वर्ड्स भी जानने होंगे कि आज तो हमें स्कॉलरली आ गया लेकिन स्कॉलरली से अलग ऐसे कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं सॉल्व करेंगे मास्टर क्लास में इसके बाद है एज इज यूजल विद विद स्टोरीज ऑफ दिस जानरा इन स्पाइट ऑफ देयर वेरिंग सोशियो पोलिटिकल रियालिटीज ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग किया गया है ताकि आप कन्फ्यूज हो जाए आगे पढ़ते हैं द यंगस्टर्स हैव फॉलन इन लव विद ईच अदर मैडली तो कुछ समझ नहीं आया ऐसा कई बार होता है एज इज यूजल विद स्टोरीज ऐज़ को हम कभी कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं कभी किसी और दूसरी तरह से यूज़ करते हैं यहाँ पर ऐज़ को हमने कंजंक्शन की तरह से यूज़ किया है या किसी डिग्री में जो हम ऐज़ एंड सो वर्ड्स यूज़ करते हैं किस तरह से यूज़ किया है ये सब हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे आगे पढ़ते हैं As इज़ यूजल विद द स्टोरीज़ ऑफ़ दिस जानरा तो एज़ इज़ यूजल जैसा कि यह सामान्य है हमने हिंदी इसको निकाला और आगे देखा इन स्पाइट ऑफ देयर वेरिंग सोशियो पोलिटिकल रियलिटीज़ ये सारा सही है द यंगस्टर्स हैव फॉलन इन लव विद ईच अदर तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एरर हो सकती है ईच अदर में वन अनदर अदर तो नहीं आएगा वन अनदर अदर वहाँ पर लगाते हैं जहाँ दो से ज़्यादा लोग एक काम करते हैं लेकिन अगर कपल वर्ड है तो दो ही लोग होंगे तो ईच अदर यहाँ ठीक है अब एक्चुअली प्रॉब्लम जो है यहाँ पर है एज़ इज़ यूज़ुअल नहीं आपने सामान्य तौर से जनरली के सेंस में एक एक्सप्रेशन पढ़ी होगी एज़ यूजल एज़ यूजल मीन्स सामान्य तौर से और इसका ऑपोजिट होता है अनयूजल तो जनरली विद द स्टोरीज़ या इन द स्टोरीज आप देखते हैं विद तो यहाँ सही काम कर रहा है लेकिन हमें यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा और हमारी जो एरर निकल करके आई है वो ए पार्ट में है और ए में हम एज रिमूव करेंगे तो हमारा सेंस बनेगा एज़ यूजुअल विद द स्टोरीज नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इस फिफ्टी uh, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम बता दें हम सॉल्व कर रहे हैं पी वाई क्यूज एस एस सी सी पी ओ टीयर वन के सारे क्वेश्चंस को और हमारा ये क्वेश्चन सी पी ओ से रिलेटेड है जो कि 2022 Tier ट्वेंटी टीयर वन में देखा गया है क्वेश्चन uh, है शी इज़ वेरी एम्बिशस वुमन आई हैव एवर कम अक्रॉस तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि एवर कहाँ लगाते हैं एक तो हम ये जानकारी देते हुए चलते हैं एवर हम या तो सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं या नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव uh, सेंटेंस की तो ज़रूरत नहीं लग रही क्योंकि मैं मिला हूँ और यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कुछ सही नहीं लग रहा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शी इज़ वेरी एम्बिशस वूमेन आई हैव एवर कम अक्रॉस तो यहाँ पर हमें uh, जो एरर मिलती है तो यहाँ पर मिलती है वेरी की जगह आपको करना पड़ेगा मोस्ट मोस्ट एम्बिशियस वुमन तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री ने इस एरर को फिक्स किया शी इज और आपको द भी एडिशनल लगाना है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द यूज करते हैं आर्टिकल शी इज द मोस्ट एम्बिशियस वुमन आई हैव एवर कम अक्रॉस नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फर्स्ट ही वॉज टॉल टू बी एडमिटेड तो टू बी के बाद आई एन जी भी आता है थर्ड फॉर्म भी आता है तो ये ठीक है एडमिटेड uh, into द आर्म्ड forces ये भी सही है एडमिटेड इन टू मीन्स भर्ती होना वहाँ भी ठीक है प्रॉब्लम कहाँ है प्रॉब्लम यहाँ पर है जब भी हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो इनफ उसके बाद लगाते हैं तो uh, आप क्या करेंगे कि टोल के बाद इनफ लगाएंगे यानी हमारे को जो एरर मिला वह एरर है ए में तो आपको टॉल पहले लिखना है और इनफ बाद में जाएगा तो एरर हमारा 51 के ए में हुआ हम इसे एक्सप्लेन करेंगे मास्टर क्लास फोर में इस पार्ट फोर को ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेकेंड द नाइट वॉज रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग फॉर हिज ब्रेवरी द नाइट वॉज रिसीव्ड नाइट को रिसीव किया गया या नाइट ने रिसीव किया तो हमेशा याद रखिएगा जब ने का कोई भी मीनिंग हिंदी या उर्दू में आता है तो एक्टिव वॉइस होता है हमारा सेंटेंस और अगर को का सेंस आता है तो पैसिव वॉइस होता है तो नाइट ने रिसीव किया ना कि नाइट को रिसीव कराया गया इसलिए आपको यहाँ वॉज नहीं लगाना है और पास इंडेफिनेट के एक्टिव वॉइस में आप सेकेंड फॉर्म लगाते हैं अब इसका सेंस देखें द दे नाइट रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट ब्रेवरी के ऊपर राजा की तरफ से नाइट ने सिपाही ने सोल्जर ने आ, कॉमेंट्स लिए तो कॉम्प्लीमेंट तारीफ ली तो लेने वाला रिसीवर नाइट है इसलिए पैसिव वॉइस नहीं एक्टिव वॉइस में बनेगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्टी थर्ड द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज होवर्ड एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर ओवर देयर बंकर बिल्कुल ठीक है होवर का मतलब होता है मंडराना ये द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज भी बिल्कुल सही है यहाँ पर वर्ड एग्जैक्ट की जगह पर आएगा एग्जैक्टली exactly। क्योंकि एग्जैक्ट जो है आपका एडजेक्टिव है बिना एल वाई वाला इसमें एल वाई एड करके आप एडवर्ब बनाएंगे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एडवर्ब से रिलेटेड हम मास्टर क्लास फोर में डिस्कस करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ अब हम चलते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस की तरफ क्वेश्चन uh, नंबर 54। फोर ही पास द एग्ज़ाम्स विद डिट ऑफ शेयर हार्ड वर्क शेयर मींस निरा घोर वेरी मच इसका मीनिंग है एंड डिलीजेंस डिलीजेंस यहाँ तक सारा ठीक है फॉर्चुनेटली एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में लगता है ही पास द एग्ज़ाम हमें यहाँ पर uh, देखना होगा कि जो हमारे फ्रेज़ uh, के रूप में आने वाले प्रेपदीशंस हैं तो उनमें कुछ कोलोकेशंस होती हैं कोलोकेशन किसे कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते एज इट इज़ आपको लर्न करना होता है और यूज़ करना होता है तो यहाँ पर विद डिंट ऑफ नहीं बाय डिंट ऑफ होता है तो ऐसे ही दूसरे प्रेपजिशंस और भी हैं जैसे ऑन अकाउंट ऑफ तो इस तरह से आपको लर्न करना होगा कि विद डिट ऑफ नहीं बल्कि बाय डिट ऑफ आपकी यहाँ पर एरर है तो एरर आपके पार्ट बी में हुई सॉरी ये पार्ट आपका यहाँ पर सी पड़ता है पार्ट सी में हुई क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव द चाइल्ड वॉज इरिटेबल इतना सारा ठीक है बिकॉज शी हैड नॉट साउंडली सिलेक्ट द प्रीवियस नाइट अब यहाँ पर चाइल्ड जो है कॉमन uh, जेंडर है तो यहाँ पर जनरली हम ही यूज़ करते हैं लेकिन शी यूज़ किया कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हो सकता है वह बच्ची रही हो साउंडली स्लेप्ट तो इस एक्सप्रेशन में आपके प्रॉब्लम हैं ये हमेशा होता है स्लेप्ट साउंडली सिलेप्ट साउंडली साउंडली जो होता है ये हमेशा बाद में आता है ही हैज़ ऑलवेज बीन क्वाइट केयरलेस फोर हीज़ ओन सेफ्टी ओन सेफ्टी ये सारा ठीक है अगर हम इनको अलग अलग टुकड़ों में देखें क्वाइट केयरलेस फ़ोर तो यहाँ पर एक डाउट आता है कि केयरलेस टू होगा केयरलेस फ़ोर होगा या केयरलेस अबाउट होगा तो हमें याद रखना है कि केयरलेस के बाद आपको अबाउट यूज़ करना है वेट के बाद आप फॉर यूज़ करते हैं लेकिन केयरलेस के बाद आपको अबाउट ही यूज़ करना है या आप अच्छे से नोट कर लें और ऐसी दूसरी प्रेपोजिशन हम आपको मास्टर क्लास फोर में डिस्कस करेंगे कि आप उन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लें इनको फिक्स प्रेपोजिशन कहते हैं आई होप कि सीपीओ से रिलेटेड 2022 के टीयर वन के इस सेट के पी सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे अगली वीडियो में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहें मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ में बने रही हमारे साथ थैंक्स फॉर बींग अस थैंक्स अलॉट